मनी, पैसा, ठीक है, पैसे को लेकर। देखो पैसे को ना, सबसे पहले हमें पैसे को समझना पड़ेगा, फिर उपाय काम करेगा। उपाय एक ऐसी चीज है ना जो आपके साइकोलॉजी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। आप साइकोलॉजिकली जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ, विश्वास रखोगे उस चीज पे, वो उतना तेजी से काम करेगा, ठीक है। देखो अगर देखा जाए ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के ही उपाय ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं, मेरी दशा खराब चल रही है, साढ़े साथी अढ़ैया, ठीक है, फिर इसकी दृष्टि उसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसका उपाय अलग रहता है। और एक उपाय होता है इन जनरल उपाय, कोई भी कर सकता है, किसी के पास वो अनुमति होती है कि कोई भी वो कर सकता है, उसके लिए स्पेशल कोई तिथि नक्षत्र कुंडली ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी में से एक पड़ता है अपना मनी रिलेटेड, ठीक है। यहां मैं वास्तु और जनरल जो हमारे पास घर की जो सामग्री होती है उससे जो टोटका वगैरह करते हैं वो भी रहेगा, वही ज्यादा रहेगा क्योंकि हर किसी के अप्रोच में रहने वाली चीज है। अब मैं बिल्कुल बोल दूं कि भाई सोने का श्रीयंत्र बना लेना, तो सबके बस का तो है नहीं सोने का श्रीयंत्र बनाना, है ना। तो ऐसी चीजें ही बताऊंगा जो इजीली अवेलेबल है और आराम से आप लोग कर सकते हैं, बस उसमें दो तीन बातों का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, कुछ तिथि और नक्षत्र। उसका रीजन मैं समझा देता हूं आपको, क्यों तिथि नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों में से यहाँ कितने लोग साइंस के स्टूडेंट है या मेटाफिजिक्स या ब्रह्मांडीय एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा बहुत देखते भी हैं, नॉलेज भी है, कोई है सर, जो लोग आपकी है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए क्या होता है ना, तिथि नक्षत्र का देखने का उद्देश्य ये होता है कि पर्टिकुलर जो टाइम जोन आता है उस टाइम पे ब्रह्मांड ऊपर का जो पोर्टल है ना वो खुला रहता है, इस काइंड ऑफ अ दरवाजा, जो एक डोर है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन है, और आपको विश मांगना है वो विश तुरंत जाएगा और रिसीव भी होगा, ठीक है। इसीलिए पर्टिकुलर डेट एंड टाइम को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि पर्टिकुलर किसी उपाय करने के लिए पर्टिकुलर नक्षत्र तिथि को देखना, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में जब वो कर्म करते हैं तो उस कर्म का आपको सही सही फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब आते हैं मनी के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन रिलेशन को समझना, ह्यूमन इमोशंस को समझना, क्यों मनी जरूरी है और मनी का फ्लो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके उपाय भी उस तरह से काम करेंगे, ठीक है। देखो एक बहुत जनरल और नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम ना एंड रिजल्ट मनी पे देखते हैं, क्या देखते हैं, एंड रिजल्ट मनी पे। जैसे कोई यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है, नहीं यार सैलरी होगी, एक या दो तारीख को सैलरी आनी है, तो हमारा एंड रिजल्ट कहाँ रहता है, सैलरी आनी है ना। हर चीज घूम फिर के बात जो है ना पैसे पे ही अटकती है, सबका ये कॉमन फ्रेज है, हर बात घूम फिर के पैसे पे ही अटकती है। इसलिए अटकती है क्योंकि हमने पैसों को एंड बना रखा है, मतलब कि वही अल्टीमेट है, जबकि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का वो आउटकम है, ठीक है, वो नहीं है जो आप जिस टारगेट से मेहनत कर रहे हैं। सपोज आपने एक घर बनाना है, ठीक है, आपको एक 3 BHK या 4 BHK का घर चाहिए, आप 2 BHK में रहते हैं, ठीक है, और आप ना पैसे जुगाड़ करने पे लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे 3 BHK कहाँ सस्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप पैसों पे फोकस कर रहे हैं, यार मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे लूंगा। अगर आप पैसों पे फोकस करने की जगह पे सीधा सीधा ये फोकस करें कि मुझे 3 BHK लेना है, अच्छी जगह पे लेना है, ढूंढना चालू करें, पैसे कहीं ना कहीं लोन आपके पास आ जाए, कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ हो जाएगा, बस आपका थॉट प्रोसेस पैसे पे ना अटक के जिस चीज को आपको लेना है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो मनी अपने आप आएगा। अगर आप उस पे फोकस ना करके मनी पे फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने लाइफ, अपने जो गोल से, टारगेट से, ठीक है। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, अब उसको बुलाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है,
क्योंकि इसका कनेक्शन आपके रूट चक्रा से होता है, डायरेक्टली रूट चक्रा। रूट चक्रा अगर बिगड़ा रहता है, गड़बड़ रहता है, कहीं उसको वहां पे ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता, स्पेशली जिन लोगों को प्रोस्टेट, मेल्स को प्रोस्टेट रिलेटेड इशू है या कोई भी सेक्सुअल डिसफंक्शन है, वो रूट चक्रा को इंटीग्रेट करता है, वहां गड़बड़ है तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सेम फीमेल्स में भी यही प्रॉब्लम आती है, और जिन लोगों को बबासीर का इशू रहता है वो भी रूट चक्रा को खराब करता है, ठीक है। इनडाइजेशन का ये रूट चक्रा एंड मणिपुर, ये दो चक्रा को गड़बड़ करता है, ठीक है। अब जो है